यहां से हम इंग्लिश स्पोकन की शुरुआत करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलना चाहता है तो इंग्लिश बोलने के लिए उसे तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, हाउ टू मेक अ सेंटेंस, एक वाक्य कैसे बनाए। दूसरा, वोकैबुलरीज का यूज कैसे करें, शब्दों का यूज कैसे करें, शब्दकोश उसके पास पर्याप्त हो। थर्ड आता है ग्रामर। ग्रामर में यहाँ पर हम उस ग्रामर की बात नहीं करते हैं जो स्कूलिंग ग्रामर है या कॉम्पिटिटिव ग्रामर है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, उनके डेफिनेशंस, उस तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि उस ग्रामर की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो ग्रामर आपको चाहिए होती है वो भाषा को बोलने के लिए हम यूज करते हैं, हाउ टू मेक अ सेंटेंस और उसमें कैसे यूज करें। That means, यहाँ पर हम टेंस पढ़ेंगे, मोलार्स पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे और उनके यूज को देखेंगे। तो दोनों ग्रामर आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, आप किस वे में या किस पर्पस से ग्रामर पढ़ रहे हैं ये बड़ा जरूरी रहता है। तो यहाँ पर उस ग्रामर को हमने स्कूलिंग ग्रामर को स्किप किया हुआ है और ग्रामर के उन हिस्सों को रखा है जिनकी मदद से आप भाषा को बोल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेंटेंस से। सबसे जरूरी है अरेंजमेंट। जब तक आपको ये ना पता हो कि किस शब्द को कहां पर लगाया जाता है तब तक आप भाषा नहीं बोल सकते हैं, आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। पूरी इंग्लिश में यदि कहीं पर कोई सेंटेंस है तो उसमें आपको पांच चीजें लेनी पड़ेंगी, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग्स। जब इन पांचों शब्दों को हम एक एक करके अरेंज करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट और सही सेंटेंस तैयार होना शुरू होता है। मतलब पूरी भाषा में कहीं पर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें ये पांच शब्द जरूर होंगे, दैट इज एस, वी, ओ, पी और टी। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एक बड़ा सरल सा सेंटेंस। इस सेंटेंस में जितने शब्द हमने लिए हुए हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, सारे शब्द पता है, सिर्फ उनका अरेंजमेंट हमारे लिए नया है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट इन द स्कूल इन द मॉर्निंग। इसमें जो पांचों वर्ड्स हमने लिए, सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से पता है, वो क्या पता है, सिर्फ नई बात क्या है, इनका क्रम कि किससे पहले लगाया जाए किससे बाद में। तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेज वर्ब हो जाएगी, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन द स्कूल ये प्लेस, इन द मॉर्निंग ये टाइम हो जाएगा। हिंदी की बात करें तो राम खेलता है क्रिकेट स्कूल में सुबह, इसे ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो इसको सही बोलने का क्रम क्या होगा, तो एक्चुअली हिंदी का तरीका और इंग्लिश का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो जब इसी सेंटेंस को आप हिंदी में बोलते हैं तो हो जाएगा राम सुबह स्कूल में क्रिकेट और खेलता है, तो ये हो जाएगा राम सब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर प्लेस, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो सही क्रम क्या है, तो हिंदी में जब आप बनाते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, टाइम, प्लेस, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और जब इंग्लिश में बनाना होता है तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। और कई बार हम उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने लगते हैं, तो ध्यान रखिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशंस नहीं होते हैं, आपको तरीके मैच करने पड़ेंगे। इस बात को बोलने का ये तरीका हिंदी का है तो उसी बात को बोलने का ये तरीका इंग्लिश का होगा। सबसे पहला है हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वे जो वाक्य के हो रहे काम को करते हैं, ऐसे शब्द जो वाक्य के हो रहे काम को या वाक्य में हो रहे काम को करते हैं या जिनके बारे में वाक्य में चर्चा की जाती है, वाक्य का सब्जेक्ट कहलाते हैं। वे सारे के सारे शब्द जो सेंटेंस में हो रहे काम को करते हैं, जिनको हाईलाइट करके सेंटेंस बनाया जाता है, वो सारे के सारे शब्द वाक्य का सब्जेक्ट कहलाते हैं। परंतु वे सारे के सारे शब्द जो काम नहीं करते, जिन पर काम किया जाता है, वो वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब कोई भी हिंदी सेंटेंस बनाइए, उस हिंदी के सेंटेंस में जो भी लास्ट वाला वर्ड होगा वो वर्ब होगा, उसे जो करेगा वो सब्जेक्ट और जो नहीं करेगा वो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे आपने कहा राम ने मोहन को डांटा, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है, बहुत दिक्कत होती है, तो आप सबसे पहले लास्ट वाले वर्ड पर जाइए, लास्ट में आपको क्या मिला, डांटा। डांटा अगर आप किसने किया, राम ने, तो राम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब मोहन कुछ नहीं करा है तो मोहन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट, जो काम नहीं करेगा वो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में रखा जाएगा। हमारे पास भाषा में कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है कि भाई इन 20-25 वर्ड को याद कर लें तो ये हमेशा सब्जेक्ट होंगे, ये 10-15 वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होंगे, ऐसी कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी शब्द आपके दिमाग में आते हैं, सोचते हैं, आप बोलते हैं, वो सारे के सारे वर्ड या नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ड को यूज करके देखना पड़ेगा कि वो काम करता है या काम नहीं करता है, करता है तो सब्जेक्ट, नहीं करता है तो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे आपने कहा मानव पेड़ों को काटता है,
अब यहाँ पर लास्ट में जाइए, काटता है क्या हो जाएगी वर्ब, काटने का काम कौन करता है मानव, तो मानव क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और पेड़ क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। फिर आपने कहा पेड़ मानव को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अब वर्ब क्या हो गई प्रदान करना, प्रदान करने का काम कौन करते हैं पेड़, अब पेड़ क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट और मानव क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, चेंज होता जाएगा भाई। आपने कहा भाई हम लोग दीपावली मनाते हैं, वर्ब क्या हो जाएगी आखिर में जाइए मनाते हैं, मनाते हैं क्या हो जाएगी, मनाने का काम कौन करते हैं हम लोग, तो हम क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट। अब दीपावली कुछ नहीं करी तो दीपावली क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट। फिर आपने कहा दीपावली हमारे लिए खुशियां लाती है, अब वर्ब क्या हो जाएगी लाती है, लाने का काम कौन करती है दीपावली, तो अब दीपावली क्या हो जाएगी सब्जेक्ट और हम लोग क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये सारे शब्द लगातार चेंज होते रहते हैं, कोई एक शब्द किसी वाक्य में सब्जेक्ट है तो अगले वाक्य में वही ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसे वाक्य में प्रयोग करके देखें कि वो काम करता है या काम नहीं करता, तो जो काम करेंगे वो सब्जेक्ट, जो काम नहीं करेंगे उन्हें ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में रखा जाएगा। हमारे पास एक लिस्ट है टोटल, हमारे पास 7 सब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, आई वी यू ही शी इट और दे, इनके 7 ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। तो आइए इन 7 शब्दों पर डिटेल चर्चा करते हैं कि ये 7 शब्दों की हिंदी क्या होती है, कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे बांटा जाए। तो अब हम मूव करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरफ कि हमारे पास कितने सब्जेक्टिव वर्ड्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट और उनका डिफाइनेशन कैसे किया जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देना शुरू करेंगे कि कितने सब्जेक्ट और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। थैंक यू फॉर दैट।